नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। सरकारी एजेंसियों के छापे से लगातार एक चर्चा सुर्खियों में बनी हुई है कि सरकारी एजेंसियों का केंद्र सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है और लगातार सरकारी एजेंसियों की छापेमार कार्रवाई के बाद बयानबाजियों का दौर जारी है। कांग्रेस के महाधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि 90% सरकारी एजेंसियों का उपयोग कांग्रेस के लिए किया गया है और इससे पहले देश के प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान ये कहते हुए सुना गया था कि ईडी की कार्रवाई ने सारे विपक्ष को एक करके रख दिया है। और अगर बात अभी की कर ली जाए तो लगातार ईडी और सीबीआई के छापे लगातार जारी हैं और ये छापे ऐसे समय पर हो रहे हैं जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव सर पर हैं। ऐसे में विपक्ष का पूरा ध्यान ईडी और सीबीआई के छापों पर लगा है जिसका फायदा बीजेपी उठाती हुई नजर आ रही है। अगर देखा जाए तो इस समय ईडी और सीबीआई पूरी तरह से विपक्ष के पीछे पड़ी हुई है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एक नए सिद्धांत पर चल रही है। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, बीजेपी का अब यही नारा है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं तो आप राजा हरिश्चंद्र हैं, वरना मनीष सिसोदिया जिनके घर 14 घंटे सीबीआई छापामारी करती है कुछ नहीं मिलता, गांव में छापामारी करती है कुछ नहीं मिलता, दफ्तर में छापामारी करती है कुछ नहीं मिलता, बैंक के लॉकर पे छापेमारी करती है कुछ नहीं मिलता, पहली चार सीट आती है कुछ नहीं मिलता, दूसरी चार सीट आती है कुछ नहीं मिलता, सीबीआई 5 दिन की पूछताछ करती है कुछ नहीं मिलता, फिर 2 दिन की पूछताछ करती है कुछ नहीं मिलता, तो मोदी जी बौखला गए, कह रहे कुछ मिल ही नहीं रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, लगाओ अपनी ईडी। 10 महीने से ईडी कुंभकर्ण की नींद सो रही थी, तब उसको याद नहीं आया कि हमको इस मामले में घुसना है। जिस दिन मनीष सिसोदिया की जमानत की याचिका लगने वाली होती है 10 तारीख को, ठीक उसी दिन ईडी कहती है हम गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। क्या इस देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इस देश की जनता मूर्ख है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के नेता है हेमंत विश्व शर्मा जिसके खिलाफ वाटर घोटाला लेके आती है बीजेपी, उनको मुख्यमंत्री बनाती है, व्यापम घोटाले में फंसे शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाती है, माइनिंग घोटाले में फंसे येदुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाती है, लैंड स्कैम में फंसे नारायण राणे को केंद्रीय मंत्री बनाती है, रेड्डी ब्रदर्स पे सीबीआई की इंक्वायरी बंद, मुकुल राय को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाती है, शुभेंदु अधिकारी पे शारदा स्कैम में सीबीआई ईडी की जांच चल रही होती है, उनको अपनी पार्टी का नेता विरोधी दल पंजाब बंगाल के अंदर बनने, नाम गिनाऊं कितने नाम गिनाऊं, जो जो लोग अजीत पवार पे सिंचाई घोटाले का आरोप भाजपा के लोग लगा रहे थे, चक्की पिसिंग कर रहे थे, अजीत पवार के साथ सुबह 6:30 बजे शपथ लेते हैं, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नितिन संदेसरा हजारों करोड़ देश का लूट के भाग गए, कितने नाम गिनाऊं, गुजरात के अंदर जहरीली शराब से 100 लोग मर गए, कितनी जांच हुई, कितने मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई, 150 लोग अलीगढ़ में जहरीली शराब पी के मर गए, कितने मंत्री गिरफ्तार हुए, कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, कहां गई सीबीआई ईडी, अभी इनके बीजेपी एमएलए का लड़का 8 करोड़ उसके घर पर बरामद हुआ, कितनी सीबीआई ईडी, कितनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गई उनके यहां, आप बताइए। अडानी नरेंद्र मोदी जी का दोस्त, लाखों करोड़ रुपए उसकी कंपनी में काला धन लग रहा है विदेशों से, कितनी सेबी, कितनी सीबीआई, कितनी ईडी, कितना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गया, मॉरिशस में एक पते पर 6 कंपनियां खोलकर 42,000 करोड़ रुपए का काला धन अडानी की कंपनी में लगाया गया, उन 6 कंपनियों की आमदनी का कोई जरिया मालूम नहीं, कितनी जांच हुई उसकी बताइए जरा आप, और तो और छोड़ दीजिए, तालिबान से 3,000 किलो ड्रग्स अडानी के मुंड्रा पोर्ट पे आया, 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स आई, कितनी गिरफ्तारी हुई बताइए आप, और आज
जो 20,000 करोड़ का ड्रग्स तालिबान भेजता है हिंदुस्तान को, आज उसी तालिबान को 20,000 टन गेहूं भेज रहे हैं मोदी जी। मोदी जी का नारा है, तुम मुझे ड्रग्स दो मैं तुम्हें गेहूं दूंगा, तुम मुझे ड्रग्स दो मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। तालिबान को आटा और भक्तों को चाटा। मोदी जी के भक्त कहते हैं तालिबान से लड़ना है, पाकिस्तान से लड़ना है, उनको पता। मोदी जी उनको आटा खिला खिला के मोटा कर रहे हैं। 20,000 टन आटा जा रहा है, 20,000 टन, भक्तों के मुंह पे जोरदार चाटा पड़ रहा है। देश का बजट आता है, किसान दुखी, मजदूर दुखी, नौजवान दुखी। इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। बीजेपी से नेता सुरेंद्र कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से नेता मुन्ना खान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक नीरज राय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। चलिए सीधा रुख सुरेंद्र कुमार जी का कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, लगातार विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि आप सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और विपक्ष की जो आवाज है उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। निशा जी, देखिए विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और जहां तक बात रहा कि दबाने की बात, किसने दबाया? आप करोड़ों का हेराफेरी करेंगे, देश को लूटने का काम करेंगे, देश को बर्बाद करने का काम करेंगे, अपना घर भरने का काम करेंगे आप, और फिर आप आरोप लगाएंगे कि मोदी जी दबा रहे हैं। मोदी जी का इसमें रोल कहां से है? ईडी, सीबीआई, ये तमाम एजेंसियां स्वतंत्र है, ये इनके टाइम में भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो इसमें कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी का या सरकार का क्या रोल है? अगर आपने चोरी नहीं किया है, आपने हेरा फेरी नहीं किया है, आप डर क्यों रहे? आप सामना कीजिए। आप जवाब का सवाल, सॉरी, सवाल का जवाब आप दीजिए। तो आपको रोक किसने रहा? तो आप अगर चोरी नहीं किए तो आप डरिए मत, लेकिन ये जो नौटंकी आप कर रहे हैं देश के अंदर तो कर ही रहे हैं, और आजकल राहुल गांधी जी विदेशों में भी जाके करने लगे, देश का अपमान करने का काम तो उनका पुरानी आदत है, तो आज भी वो कर रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जनता जो है 2014 के बाद जनता ने तय कर लिया, इस देश का जो विकास करेगा, इस देश का जो नाम दुनिया में करेगा, उसको हम लेके आएंगे। 2014 के बाद कांग्रेस कहां नजर आ रहा है? आप पूछिए कहां पे है, इनकी जमानत जब्त होते जा रही है हर जगह। तो सत्ता में बने रहना एक अलग बात है, लेकिन देश के लिए विकास करना, समाज के लिए विकास करना, ये एक अलग बात। और सीबीआई, ईडी स्वतंत्र है, वो अपना कार्रवाई कर रही है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप बच जाएंगे, अगर आपने कुछ किया अंदर जाएंगे। निशा जी, सुरेंद्र जी, आपने कहा कि ये इनके टाइम में भी होता था, अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा, तो ये बता दीजिए कि आपातकाल से लेकर अमृतकाल में क्या बदला? यही चीज तो बदला है, यही चीज बदला है, जो करोड़ों का, सुनिए, हजारों का जो ये हेरा फेरी करके, जो हजारों का ये प्रॉपर्टी बनाए हैं, यही तो आज सामने आ रहा है सबके सामने। अमृतकाल में यही तो सामने आया है, हजारों करोड़ का, जो ये कहते थे कि मैं गरीब घर में पैदा लिया हूं, और आज उनके पास 100 करोड़ की, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे हो गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 22 साल से सत्ता में बैठे हुए, मुख्यमंत्री रहे 3-4 बार, 2 बार प्रधानमंत्री रहे, अगर वो चाहते वो भी। सुरेंद्र जी, थोड़ा देर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। सुरेंद्र जी, रखिए अपनी बात। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो आजादी के बाद से और अब अमृतकाल में हम लोगों ने देश का नाम जो है दुनिया में करने का काम किया, देश को विकास के रास्ते पे ले जाने का काम किया, लेकिन यही लोग
लगातार सत्ता में बने रहे, सिर्फ परिवारवाद के अलावा और अपने घर भरने के अलावा और क्या काम किए। और ये लोग तो बहुत ये कहते हैं कि विरोधी के ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे भाई, कुछ जगह आपके भी अभी सरकार है, ऐसे नहीं है कि आप पूरे खत्म हो गए, अभी एक दो जगह बचे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। कुछ तो राज्य को भी पावर है, उससे पहले हमारी सरकार थी वहां, आज आपकी सरकार है। अगर हमारा विधायक, हमारा मंत्री, हमारा मुख्यमंत्री अगर हेरा फेरी किया है तो आज आप अपनी पन्ना खोलो वहां, और अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है फिर आप मीडिया के सामने आइए, धरना कीजिए कि हमने मंत्री के ऊपर कार्रवाई करने का मांग किया लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहा, इन्होंने हेरा फेरी किया था अपने काम। चलिए ठीक है, बहुत गिना दिया आपने आपातकाल से लेकर अमृतकाल तक की चीजें। चलिए मुन्ना खान जी, सुन लिया होगा आपने? जी निशा जी, सुन लिया है। तो रख दीजिए अपनी बात। अब नहीं, बात रखने की बात नहीं, अभी जिस तरह के बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि विकास हुआ तो दो चार विकास के नाम गिनती करवा दे, एक बात। दूसरी बात, जो ईडी सीबीआई के जो छापे पड़ रहे हैं, आज सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 5430 केस रजिस्टर्ड हुए जिसमें 5 बीजेपी नेता के नाम नहीं है। सवाल ये खड़ा हो रहा है उन बीजेपी राज्यों में ही क्यों ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं जो गैर बीजेपी शासित राज्य है। दूसरा सवाल है कि जो जितने भी इनके दागदार नेता थे बीजेपी के, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे हेमंत बी शर्मा हो, या दोरप्पा हो, रेड्डी बोर्डर्स हो, या बेलारी बोर्डर्स हो, या जैन डैडी में नाम श्री आडवाणी जी का हो, या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है, तो इनके पास ईडी सीबीआई जाने से साफ सूंघ जाती है इन सरकारों को। ये सरकार सिर्फ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष के दलों पे, विपक्ष के नेताओं पे, विपक्ष के जो जहाँ राज्य शासित उन पे कार्रवाई करने का काम करती है। तो सवाल यहाँ खड़े होते हैं, सवाल ये है कि अगर आपको ईडी और सीबीआई से बचना है आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, ईडी और सीबीआई आपको पूजने लगेंगे। नहीं, अगर बीजेपी में आप नहीं जाओगे तो फिर आपको ईडी सीबीआई और ये सा और सुरेन जी आओगे आपके पास, इसका आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़े भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये लुटेरे हैं। जिस तरीके से देश देख रहा है कि दो गुजराती देश बेच रहा है और दो गुजराती देश खरीद रहा है, ये भ्रष्टाचार जो है ये बहुत तेजी से पनप रहा है। लेकिन इनको दबाने के लिए ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग, मीडिया का दुरुपयोग, जो इनके सोशल मीडिया उनका दुरुपयोग इस तरीके से किया जाता है ताकि आवाज विपक्ष की न उठे, जनता की न उठे, शोषित जनता का आवाज न उठे, कोई महिला, कोई मजदूर, किसान का आवाज न उठे। इसलिए ये सरकार तानाशाही पे उतरी हुई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर इतने भ्रष्टाचार हुए, वहाँ सीबीआई ईडी नहीं जाती। कर्नाटक के अंदर 40% कमिश्नर खोड़ी के नाम से ये सरकार मशहूर है, वहाँ सीबीआई ईडी नहीं जाती। इनका जो आसाम के अंदर है, आसाम के अंदर अभी 10 व्यापारियों ने लेटर लिखा है कि मोदी जी 50% कमीशन मांगे जा रहे हैं, हम लोगों का काम करना, धंधा करना मुश्किल हो रहा है। उस पे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई सुध नहीं लेता, लेकिन विपक्ष में अगर कुछ भी कोई किंतु परंतु है, अगर उसने आवाज उठाने की कोशिश की तो उसे ईडी, सीबीआई, एनआईए के द्वारा दबाया जाता है। तो ये तानाशाही सरकार है, इस तरीके से ये सरकार नहीं चलती। अभी रोजगार पे बात न हो इसलिए आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, किसान की आय दोगुनी की करने की बात थी। तो इतिहास में पहली बार इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आया और इतना बड़ा मक्कार गृह मंत्री आया कि जो पूरे हिंदुस्तान में झूठ और झूठ परोसने का काम करता है। एक भी बात इनके सच नहीं हुए। ये लोग निशा जी सपने बेचते हैं, सपने के सौदागर ही है, सपने बेचेंगे, झोला उठा करके निकल चलेंगे। तो देश के विकास में इनका न कोई योगदान था, न है, न रहेगा। अभी 9 साल हो गए कार्यकाल को, इनके वादे थे कि कांग्रेस को आपने 60 महीने दिए, 60 साल दिए, हमें सिर्फ 60 महीने दे दो। अरे भाई, 120 महीने दे दिए, शर्म आनी चाहिए इन सरकार को। युवा इतिहास में पहली बार आजाद देश में युवा 45 करोड़ बेरोजगार है। किसान की आय दोगुनी करने की बात थी, ये कहते थे नरेंद्र मोदी जी, मित्रों 2022 तक हम किसान की आय को दोगुनी करेंगे। क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? निशा जी मैं बता दूं, आरटीआई का आंकड़ा बताता है 1.5% किसान की आय घटी है, बड़ी नहीं है। जहाँ बढ़ाने की बात होती थी वहाँ घटाने की बात होती थी। ये गुजराती आज ये दिखा रहा है कि मैं किस तरीके से 12-14 गुजराती को फायदा पहुंचाने का काम करता हूं। अडानी एयरपोर्ट पे 3,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है, वहां प्रधानमंत्री जी खामोश होते हैं। और अफगानिस्तान से ड्रग्स आता है, उसी अफगानिस्तान को 20,000 टन ये गेहूं भेजने का काम कर रहे हैं। तो ये पोषने का, पालने का काम बीजेपी के द्वारा की जा रही है। बार बार ये पाला पोसा जा रहा है। ये बार बार जो कहते थे मैं आतंकवादी के खिलाफ हूँ,
मैं पाकिस्तान के खिलाफ हूँ, अफगानिस्तान के खिलाफ हूँ। आज ये खिलाफ नहीं है, सपोर्ट में, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ही अफीम और ड्रग्स अडानी एयरपोर्ट पे आना है और अडानी को फायदा पहुंचाना है, इसलिए उसे सहायता राशि दी जा रही है। उसके यहाँ 20,000 टन गेहूं भेजने का काम कर रहे हैं। तो ये सरकार, चलिए मुन्ना खान जी थोड़ा देर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। तो आपको बता दें कि सरकारी एजेंसियों के छापे से लगातार एक चर्चा सुर्खियों में बनी हुई है कि सरकारी एजेंसियों का केंद्र सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है, और लगातार सरकारी एजेंसियों की छापेमारी के बाद बयानबाजियों का दौर भी जारी है। चलिए मुन्ना खान जी रखिए अपनी बात। मैं ये कह रहा था निशा जी कि इन सवाल या निशान इस पे लग रहा है, क्योंकि जो आदमी बार बार आवाज उठा रहे, क्योंकि विपक्ष के जो भी नेता हैं वो इसलिए आवाज उठा रहे कि कार्रवाई वन साइड हो रही है। मैं ये कहता हूँ संस्था है, उनके प्रक्रिया से गुजरनी पड़ेगी, बहुत अच्छी बात है, हम भी गुजरेंगे। अगर कोई भ्रष्टाचार के कोई साथ नहीं है, हर दल भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन सवाल ये है कि वन साइड जो बार बार कार्रवाई हो रही है इस पर सवाल या निशान लग रहा है। आप बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो, वहाँ क्यों खामोश हो जा रहे हो? और अगर अभी हमारे ऊपर 10 आरोप लग जाए, 10 भ्रष्टाचार के आरोप लग जाए, अगर कल मैं बीजेपी ज्वाइन करता हूँ तो हमारे पास फिर कोई किंतु परंतु नहीं बचेगा। फिर मैं ठीक है मुन्ना खान जी लूंगी आपके सवालों के, सभी सवालों के जवाब लूंगी, और सुरेंद्र जी भी जो है काफी उत्सुक दिखाई दे रहे हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। सीधा रुख नीरज जी का कर लेते हैं। नीरज जी, ईडी और सीबीआई की छापेमार कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए सर जी, सबसे तो बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक रटा रटाया स्लोगन चलता है, पिछले 9 सालों से ही चल रहा है चीज, है कि जब भी इनके ऊपर उंगली उठती है तो ये होता है कि जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और विपक्ष डर क्यों रहा है, जब चोरी नहीं किया, भ्रष्टाचार नहीं किया। देखिए चोरी और भ्रष्टाचार हकीकत में कहा जाए तो देश के लिए दीमक का काम करता है, लेकिन अगर ये बतावें लोग कि पिछले 9 साल में कितने भ्रष्टाचारियों को ये जेल भेजे हैं, या जो इस समय कुछ हफ्तों से कार्यवाही तेज हो गई है, क्या यह एक दिन में आ गई है या शुरू से इनके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ था, इन सब चीजों को लेते हुए भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूजन की स्थिति में है। ये करते क्या है कि तुलना करते हैं कांग्रेस से, ये बेवजह की तुलना कांग्रेस से करते हैं। शायद भाजपा के नेताओं को वो दिन भूल गया है कि 2014 के बाद जब विश्व भ्रमण पे निकले थे इनके ये तथाकथित यशस्वी नेता, विश्व भ्रमण पे तमाम देशों में जाकर यही बोला करते थे कि इससे पहले तो हिंदुस्तान था ही नहीं, वहां जीना ही मुश्किल था, वहां पर तो लोगों ने ये मान लिया था कि हम ऐसे राष्ट्र में रह रहे हैं जहां की कोई मर्यादा ही नहीं है। ये 2014 के बाद का जो भारत है, उस भारत से ये तुलना करते हैं किसकी, कांग्रेस की करते हैं। चलिए नीरज जी थोड़ा देर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के फौरन हासिल होते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद देखा, फिर से आपका स्वागत है। लगातार तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज जी रखिए अपनी बात। जी, इनका जो सिस्टम है सिर्फ ये आरोप लगाते रहेंगे, और देखिए आरोप लगाने के लिए और एजेंसियों को भेजने के लिए किसी यूनिवर्सिटी से कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं समझ पा रही है कि जो हस्त्र देश की जनता ने कांग्रेस का किया, इससे ये लोग इतर नहीं है। आप सत्ता में आए थे रोजगार देने के लिए, 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, लेकिन 7,26,000 ही रोजगार दिए, आप ही ने सदन में बताया है। इनके में जो दागी हैं, मैं सबका गिन के नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जो दागी हैं इनमें मुख्यमंत्री बनाया जाता है, दागियों को केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक केंद्रीय मंत्री का लड़का किसानों को गाड़ियों से रौंद देता है, और ये उस मंत्री को मंच पर ले जाकर सम्मानित करते हैं। तो इनके चार चरित्र और चेहरा में देखिए कितना दाग पड़ा हुआ है। मुद्रा पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ा जाता है, उस पर कितनी गई एजेंसियां, जो कि विश्व के दूसरे सबसे अमीर आदमी थे, इस समय तो स्थिति दूसरी हो चुकी है, उनका आयकर में नाम नहीं है। तमाम जगहों से कोल में देखिए, कोल में चल रहा है लोटा है, कोल में भी ये मंत्रालय लिख कर दे चुका है कि किसने
लोचा किया हुआ उस पर नहीं है। इनका सिर्फ ये है निशा जी कि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, कई प्रदेशों में चुनाव होने हैं, एक तरफ तो ये विपक्ष को सिरे से खारिज करते हैं कि विपक्ष है ही नहीं, दूसरी तरफ विपक्ष का ये रोना भी रोते हैं कि विपक्ष परेशान है, विपक्ष एक हो रहा है। अरे भाई लोकतंत्र है, आप भी चुनाव लड़ते थे। अभी हमारे बड़े भाई सुरेंद्र जी कह रहे थे कि अगर हमारे किसी मंत्री के ऊपर एलिगेशन है तो भाई साहब एलिगेशन आपके मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा पे है जो मुख्यमंत्री हैं, एलिगेशन शिवेंदु अधिकारी पर है, और आपसे निवेदन है कि उनको थोड़ा सा आप ये कर दीजिए, शारदा नारदा में उनकी फाइल पड़ी है एमपी एमएलए कोर्ट में, वहां से परमिशन दिलवा दीजिए, कार्रवाई हो जाए। व्यापम में शिवराज सिंह चौहान पे थोड़ा कार्रवाई दिखवा दीजिए, येदुरप्पा जी पे कार्रवाई, नारायण राणे पे देख लीजिए, ऐसे तमाम विभूतियां पड़ी हुई हैं। आपने कहा कि धरना प्रदर्शन, ये मत सोचिएगा कि मैं कांग्रेस के पक्ष में बोल रहा हूं, आपने कहा धरना प्रदर्शन। 2014 में सरकार बनने से पहले और 2004 के बाद से देश के अंदर जितना धरना प्रदर्शन होना था कांग्रेस ने करने दिया, और आपने जबरदस्ती का किया, महंगाई डायन से लेकर सिलेंडर लेकर रोड पे सोने का काम करते रहे। लेकिन आप ही बताइए आपने क्या क्या किया है, धरना प्रदर्शन पर रोक, तुरंत गिरफ्तारी, और तो और कांग्रेस के शासन में इतनी तो सुचता थी कि आरटीआई के थ्रू हम किसी भी चीज की जानकारी ले सकते थे, लेकिन मानसून 17-18 में आप ही की सरकार ने पाबंदी लगा दिया है, थोड़ा इसको भी संज्ञान में ले लीजिए और ऊपर थोड़ा लिखिए, क्योंकि कोई फायदा तो है नहीं आपके बोलने से भी, क्योंकि देश की जनता चिल्ला रही है और विकास का आप लोग फाग छीट रहे हैं। कौन सा विकास किया है भाई आपने? अर्थशास्त्र कहता है सुरेंद्र भाई कि विकास जब होता है ना तो बेरोजगारी कम होती है, बेरोजगारी दर का बढ़ना मतलब कि वृद्धि और विकास का संकुचित होना है, तो अर्थशास्त्र से बाहर नहीं चल सकते हैं। आप लोग ये दलील पेश कर रहे हैं कि रोजगार मेला लग रहा है, तब तो रोजगार मेला में जो आप नौकरी दे रहे हैं उसको हम सत्य माने कि सदन के अंदर जो आपने घोषणा किया है उसको सत्य माने, तो देश की जनता को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को, उद्योगपतियों को, तमाम लोगों को आप जो है संशय और दुविधा में मत रखिए। देश का जो जो देश नहीं बिकने दूंगा आपने बेच दिया, अभी फिर चल रहा है कि 23 कंपनियों का आप लोग बोली लगाने वाले हैं, जब 2014 से पहले कुछ था ही नहीं तो बेच किसको रहे हैं, ये बताएं ना, फकीर मतलब क्या होता है? ठीक है नीरज जी, वास्को डिगामा बनकर तो विश्व भ्रमण कर लिए और कांग्रेस को गरिया रहे हैं। अरे कांग्रेस की जैसी स्थिति थी जनता ने दिखा दिया, कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल बनने के लिए जवाब ले लेते हैं नीरज जी दो बार में। नीरज जी चलिए ठीक है, जवाब लेते हैं। सुरेंद्र जी एक सवाल जो विपक्ष बार बार पूछ रहा है और आप बार बार गोलमोल घुमाकर उसका उत्तर दे रहे हैं, हेमंत विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, नारायण राणे, इनका क्या हुआ? बीजेपी में आने के बाद वॉशिंग पाउडर निर्मा की तरह धुल गए हैं क्या सब के सब? सुरेंद्र जी मुन्ना खान जी, आपको नहीं लग रहा कि आप लोग यहाँ सीबीआई ईडी में उलझ के रह गए हैं और इसका फायदा बीजेपी उठा रही है, जाके कर्नाटक में लगातार 74-74 जनसभाएं हो रही हैं, 150 रैलियां उनकी हो रही हैं, रोड शो उनके हो रहे हैं और आप ईडी और सीबीआई तक ही रह गए हैं? नहीं नहीं, ईडी और सीबीआई नहीं रहे, ईडी और सीबीआई तक जनता देख रही है, चाहे कर्नाटक की जनता हो चाहे किसी भी राज्य की हो, वो देख रही है किस तरीके से जो सरकारी संस्था है उसका सरकार दुरुपयोग कर रही है, जिस तरीके से प्रताड़ित कर रही है जो विपक्षी दल के नेता हैं, तो ये सीधा सीधा उन्हीं राज्यों में क्यों हो रहा है जिस राज्य में चुनाव होना हो। अभी कर्नाटक में धरपकड़ शुरू है लेकिन बीजेपी नेताओं पे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जगजाहिर है येदुरप्पा किस तरीके से करप्शन किया जा रहा है, वहाँ पे 40% सरकार के नाम से बीजेपी जानी जाती है, वहाँ कई अपने लेटर लिखा गृह मंत्री को कि हमें यहाँ 40% कमीशन मांगी जाती है, हमारा काम करना यहाँ दुश्वार हो रहा है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कोई सुध नहीं लेते वहां पे, कहती है बीजेपी सरकार, कहती है भ्रष्टाचार, लेकिन बीजेपी में होने चाहिए अगर कोई अन्य पर लाजमी नहीं है, भ्रष्टाचार करना है, देश को लूटना है, लूटो, लेकिन बीजेपी का सिंबल होना चाहिए और बीजेपी की कार्यकर्ता होने चाहिए तो ही माफी है। तो देश राज देख रहे, जनता भी देख रही, हर राज्य के चुनाव देख रहे, वहाँ
कर्नाटक में जिस तरह से इनके भ्रष्टाचार पनपड़े, 8 करोड़ रुपया अभी एमएलए के लगे के नहीं जाते, उस पर एक शब्द कोई नहीं बोलता, चाहे गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या वहाँ के मुख्यमंत्री, वो एक शब्द नहीं बोल रहा कि वो 8 करोड़ रुपया कहाँ से आए, किसके थे, किस लिए आए थे, किस वजह से आए थे, इन पे कोई कोई सुध नहीं ली जाती। लेकिन बार बार वहाँ पे सीधी रेवैया पे सवाल उठ रहे हैं, वहाँ पे बार बार डी रमेश पे सवाल उठ रहा है, लेकिन येदुरप्पा पे सवाल नहीं उठ रहा, बेलारी ब्रदर्स पे सवाल नहीं उठा। येदुरप्पा का जो कसन था, जो अवैध खनन का मामला था, वो जग जाहिर था, उनके वजह से सरकारी जी, आपकी आवाज थोड़ा परेशानी दे रही है, उसको मैं पीसीआर से कहकर ठीक करवाती हूँ। सुरेंद्र जी, सवाल एक ही कि विपक्ष जो लगातार पूछ रहा है, आप दीजिएगा जवाब, पहले मेरा प्रश्न सुन लीजिए। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, एक सवाल जो विपक्ष लगातार पूछ रहा है और आप गोलमोल करके उसका उत्तर दे रहे हैं, हेमंत विश्वा शर्मा हो गए, नारायण राणे, सुवेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, इनका क्या बीजेपी में आते ही वॉशिंग पाउडर निर्मा से धो दिए क्या आपने? बिल्कुल नहीं धोए हैं। और जहां तक आपने कहा कि नारायण जी हो चाहे ये मुकुल जी हो, ये तमाम लोगों का केस बंद नहीं हुआ है अभी, और ये जो कह रहे हैं कि ये धुन मिला है, इनके ऊपर जो आरोप लगे थे केस बंद है। आप इस बात को समझिए कि जब जांच चल रही है तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये बंद हो गया है, और कार्रवाई सबसे होगा चाहे वो बोलते हो। तो हमारी पार्टी या सरकार ने कब कहा कि ये लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ? अरे भाई, अभी तो सरकार, अभी आपने पश्चिम बंगाल की बात आपने किया ना, तो पश्चिम बंगाल में अभी ही कुछ दिन पहले जो है पार्थ चटर्जी के घर से कितने पैसे पकड़ाए गए, आप इनसे पूछिए। ये जो करोड़ का जो हेरा फेरी हुआ है, अगर अगर ये लोग हेरा फेरी नहीं करते, नहीं किए, तो ये कहां से पकड़ाए गया पैसा, ये कहां से, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, लालू यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, के कविता हो, ये तमाम लोगों के ऊपर जो आरोप है, ये सीबीआई कोई खाली बचा हुआ क्या, ईडी खाली बचा हुआ क्या, या बिना बिना मतलब के किसी के घर जाके छापा मारेंगे, बिना मतलब के किसी को उठा के ले आएंगे? तो ये सारी चीजें जो है अब जो है देश की जनता ने देख लिया है 2014 में, 2020 में और तमाम विधानसभा चुनाव में जनता ने सबक सिखा दिया। और जहां तक अभी देखिए, मुन्ना खान जी ने कहा और नीरज भाई ने कहा, नीरज आऊंगे, कांग्रेस का सुनिए, कांग्रेस का लोकतंत्र का परिभाषा क्या है? पहले तो जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जो है उनकी बेटी इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद बिना कुछ किए हुए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देते। तो लोकतंत्र का परिभाषा ये है, लोकतंत्र बहुत अच्छा है। और यही आप देखिए 1975 में, निशा जी थोड़ा हमको स्पेस दीजिए, हाईकोर्ट का जब हाईकोर्ट का आदेश आया चुनाव हेरा फेरी करने का, हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि आप जो है 6 साल तक जो है किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं बैठेंगे, और इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, इमरजेंसी लागू करके सैकड़ों लोगों को जेल में बंद करके सैकड़ों लोगों को मरवाने। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है नीरज जी, रखिए अपनी बात जी। ये कह रहे थे कि एक कहावत कही जाती है निशा जी कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत नहीं गाया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता से लेके एक जो राष्ट्रीय इनके प्रचारक हैं, जो कि पंचायत के चुनाव में भी उनका ही प्रचार चलता है तभी सत्ता में आने का चांस होता है, ये दूसरे के घरों में झांकना, सुरेंद्र भाई जिस दिन आप लोग बंद कर देंगे ना,
एकदम सबके लिए स्वीकार्य हो जाएंगे। आप नेहरू जी से लेकर राहुल जी तक आ गए, सुन लीजिए, मैं बोला नहीं बीच में, आप सुनिए। सुरेंद्र जी आएंगे आपके पास, सुरेंद्र जी उठाई है उस बात का जवाब सुनिए। बहस के लिए मैंने नहीं छेड़ा है, आपको शायद याद भी नहीं होगा कि जब आपकी पार्टी का जब 80 में प्रारूप तैयार होकर आया था ना, तो उस समय एक नारा दिया गया था कि हर हाथ को काम हर खेत को पानी, यही है जनसंघ की निशानी, और उसी राह पे आप लोग चलने का वादा किए थे। लेकिन 2014 के बाद से काम ऐसा किया जरूर कि जितने भी जमीन के जो नींव के जो ईंट थे उनको उठा के साइड लाइन किनारे कर दिया गया। जब आपने छेड़ा तो सुन लीजिए, 9 साल में आपके पूरे सरकार का एक ही मंत्रालय का विजन दिखता रहा है और दिख भी रहा है, वो नितिन गडकरी जी का। जब उनको भी आप लोग साइड लाइन निकाल के रख दिए, उससे पहले अडवाणी जी और मुरली मनोहर जी को आप किनारे कर दिए। आप कांग्रेस मुक्त भारत करते करते कांग्रेस युक्त भाजपा कर लिए, और आपको पार्थ चटर्जी का पैसा याद है, शर्म आती है इस पर, और जनता भी समझ रही है कि आप लोग केंद्र में सरकार में हैं, लेकिन आप लोग उस नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और सक्षम है। कभी आप लोग क्या करते हैं कि हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री की तुलना किसी प्रदेश की मुखिया से करना शुरू करते हैं, हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री की तुलना किसी एक नेता विशेष से करना शुरू करते हैं। लेकिन शर्म आती है इस बात पर कि आप लोग ये भूल जाते हैं भाजपा नेता कहने के आगे कि वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं। पार्थ चटर्जी पे आपने क्या कार्रवाई किया, किसने रोका? लेकिन अभी कर्नाटक में जो पैसा मिला इस पर क्या किया? आपने कहा कि आपके नेताओं पे कार्रवाई हो रही है, शायद आपको याद होगा या नहीं भी होगा। असम में 2 टाइम पहले जब सरकार नहीं थी आपकी, कांग्रेस में उस समय हेमंत बिश्व शर्मा हुआ करते थे और उनका अच्छा खासा चिट्ठा लेकर भाजपा रोड पे उतर चुकी थी। उसी का परिणाम रहा कि भाजपा वहां पर आई और भाजपा आने के बाद इनको अपने में लिया, और क्या हुआ उनको मुख्यमंत्री, कार्यवाही के उपरांत आपने उनको इनाम में मुख्यमंत्री दिया। आपने शिवेंदु अधिकारी की चर्चा किया, आपको पता है कि शिवेंदु अधिकारी के लिए ईडी और सीबीआई ने कोर्ट में डाला हुआ है, वहां पर आप लोगों के लोकसभा में डाला हुआ है, सदन में क्यों नहीं परमिशन देती भाई? पूर्ण बहुमत की सरकार, इतनी मजबूर सरकार है, शर्म आती है। देश की जनता इस सरकार को चुनकर लाई है, क्या मूर्ख समझते हैं देश की जनता को? आप अपना जो है दामन साफ रखकर चलें और दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं, उससे बेहतर है कि अपने में जो बैठे हैं कीड़ा मकोड़ा उनको साफ करिए, उसके बाद दूसरे पे आप पड़िए। विपक्ष को नकार कर भी आप नहीं चल पा रहे हैं और विपक्ष को स्वीकार भी आप नहीं कर पा रहे हैं। आप बताइए ना कि मुद्रा लोन आप लेकर आए थे, कितना फायदा हुआ जमीन पे? उज्ज्वला लेकर आए, कितना फायदा हुआ जमीन पे? आप लेकर आए कि हम रोजगार देंगे 2 करोड़, क्या आपने 2 लाख भी पर मंथ के पर ईयर के हिसाब से रोजगार दिया? नहीं दिया। पिछले 42-43 सालों में सबसे निचले स्तर पे बेरोजगारी हमारे यहाँ बढ़ी है, अब क्या बात कर रहे हैं महाराज? सोनिया को, राहुल को, नेहरू को गरिया के आप क्या चाहते हैं? ये फोबिया से बाहर निकलिए। मैं पूछना चाह रहा हूं, देश की जनता जानना चाहते, 14 के बाद से आपने जो हमारी संस्थाएं रही हैं, गेल है, भेल है, सेल है, ऐसी कितनी संस्थाओं की स्थापना आपने किया है? सिर्फ बेचा है, यहां तक कि आपने लाल किला को भी दे दिया किराए पर, और वहां पर देखिए कि शादियां करी जा रही हैं, यही हमारे देश की संपत्तियों के साथ खिलवाड़ है। सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली संस्था रेलवे थी, उसका भी प्राइवेटाइजेशन आपने कर दिया। निशा जी, आज की स्थिति यह है कि भाजपा शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य विभाग या अन्य विभागों को कंसल्टेंसी कंपनियों को दे दिया गया है, और ये दलील क्या पेश कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमारे ऊपर कोई ब्लेम और एलिगेशन नहीं लग सकता, कंपनियों की जिम्मेदारी रहेगी, यही आप देश का विकास कर रहे हैं? आप तो पूर्ण रूप से व्यापार कर रहे हैं और एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक की तैयारी कर रहे हैं, देश की समस्या से आपको तो लेना देना नहीं है। आप बात करते हैं चलिए पाकिस्तान, अब देखिए कितनी शर्म की बात ये भी है। चलिए थोड़ी देर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, फिलहाल वक्त चुका एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, लगातार तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज जी, आपके सवालों का जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगे। सुरेंद्र जी दीजिए जवाब। देखिए, इन्होंने कहा शुभेंदु अधिकारी की बात, शुभेंदु अधिकारी अभी
वहां के नेता प्रतिपक्ष है, ये पश्चिम बंगाल की सरकार के हाथ में है ये सारी चीज, वो अगर चाहे तो कार्रवाई करे, और अगर उसपे सीबीआई या ईडी या तमाम एजेंसियां जो है अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो ममता बनर्जी, आपको पता है दुनिया में जो है दुनिया में सबसे जो है ढोल पीटने वाली मुख्यमंत्री में से एक है, जैसे अभी कह दिया ना मीडिया, ये फिर यही लोग आरोप लगाते हैं मीडिया को खरीद लिया, ईडी को खरीद लिया, ये तमाम चीजों को खरीद लिया, तो एक जगह पे तो रहे, या तो ये अपनी बात रखे, या तो सरकार की बात माने या एजेंसियों की बात माने। हम तो सीधा कहते हैं अगर आपने हेरा फेरी नहीं किया, आपने चोरी नहीं किया, तो आप डर क्यों रहे हैं? और ये जो विपक्ष जो कह रहे हैं कि सारी विपक्ष को इकट्ठा कर दिया, अरे भैया हम कौन होते हैं विपक्ष को खत्म करने वाले? विपक्ष को तो खत्म करने वाला जनता है, जनता का जनादेश मिला हमको। गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी नहीं है, जिसका आप अनुसरण कर रहे हैं वही वैसे है, तो आप कहां से अच्छे हो गए? और अभी आप ये जो आपके जीजा जी का जो इतनी बड़ी जो कंपनी हो गई डीएलएफ का, ये कैसे हो गया? इसके ऊपर भी बोले थे थोड़ा, तो सिर्फ आरोप लगाना बहुत इजी है। अभी संजय सिंह ने बहुत नाम गिनती करा दी, सत्यन जैन जी 6 महीना से जेल में थे, उनका रिजन क्यों नहीं लिया गया? और जब मनीष सिसोदिया जी जेल के अंदर जाने से पहले वो उनको कैसे पता था ओरिजिन लिख के चले गए थे पहले? ये विपक्ष वाले ये तो नहीं बोलेंगे, जब आपने हेरा फेरी किया है तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। और देश की जनता जो है अब इतना बेवकूफ नहीं है कि आप घुमा दोगे जनता को, जनता होशियार हो चुका है, इतना तो पता है आपको, विकास चाहिए जनता को, जो है देश का नाम चाहिए जनता को, जो है बॉर्डर मजबूत चाहिए, हमारा सैनिक जो है वो मजबूत चाहिए। ये हेरा फेरी करने वाला, चलिए ठीक है नीरज जी आऊंगे आपके पास, पहले मुन्ना खान जी का रुख कर लेते हैं। मुन्ना खान जी, सुरेन जी को आपने सुन लिया होगा, क्या कहेंगे? मुन्ना खान जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मुन्ना खान जी सुन रहे हैं? हेलो, हाँ हाँ मुन्ना खान जी, आ रही है आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, कहावत एक चोर बोले जोर से, इस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता बार बार, वो सामने राजनीतिक विश्लेषक ने दो चार बातें रखी, बातें हमने भी रखी कि जो कार्रवाई विपक्ष के विरुद्ध हो रहा है तो इस पे सवाल या निशान लग रहा है। 2014 के बाद बीजेपी के शासनकाल में 5430 केस ईडी और सीबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड हुए, जिसमें 2-3 नाम भी बीजेपी नेताओं के नहीं है, तो सवाल यहाँ खड़े होते हैं, सवाल यहाँ खड़े होते कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य है उनमें ही ईडी सीबीआई की कार्रवाई क्यों हो रही है? जो बीजेपी के इतने नेता भ्रष्टाचारी है, खुद अमित शाह का लड़का जैसा भ्रष्टाचारी में भ्रष्टाचार बता रहे, शुभेंदु अधिकारी है, रेड्डी ब्रदर्स है, बेलारी ब्रदर्स है, येदुरप्पा है, शिवराज सिंह चौहान है, जैन डायरी में आडवाणी जी का नाम है, सारे नारायण राणे है, इन्हें इनके पास कोई सीबीआई ईडी नहीं है। अभी 10 दिन नहीं हुए घटना को, 8 करोड़ रुपए एक बीजेपी एमएलए के लड़के के घर में पकड़े गए, वहाँ कोई सुध नहीं, वहाँ कोई सीबीआई नहीं, ईडी नहीं, कोई कोई वो सवाल खड़े होते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में नंबर पे ये सरकार चल रही है, और ये सरकार यही चाहती है कि विपक्ष की आवाज दबे रहे, देश की जनता की आवाज दबी रहे, कोई भी आवाज न उठाए, तो ये शाह और शहनशाह की जो जोड़ी है तानाशाह से सरकार चलाना चाहती है, और ये तानाशाही चलेगी नहीं, क्योंकि सभी विपक्षी दलों को परेशानी हो रही है, सभी विपक्ष दलों पे कार्रवाई हो रही है। 24 केस फर्जी केस कांग्रेस पे ला देंगे, 13 केस टीएमसी पे देंगे, मतलब अन्य जितने भी दल है 5-6 केस सभी दलों पे है, बीजेपी। चलिए मुन्ना खान जी, आपकी आवाज थोड़ा परेशान कर रही है। नीरज जी जी कुछ कह रहे थे आप?
जी मैं कह यही रहा था कि शुभेंदु अधिकारी की चर्चा कर रहे थे सुरेंद्र जी, जब शुभेंदु अधिकारी पे राज्य सरकार ही कार्रवाई करती तो फिर आध हकीम वगैरह तो उस राज्य सरकार के ही मंत्री थे, उनके ऊपर लास्ट ईयर कैसे कार्रवाई हो गई। छोड़िए ये भी बात है, अब इसमें थोड़ा सा लास्ट चल रहा है, इस पे बता दूं कि देखिए निशा जी हो क्या रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी काम तो आज तक तो कुछ करी नहीं है, हमेशा उंगली पे उंगली उठता रहा है। अगर नियम के हिसाब से देखा जाए तो पूरा विपक्ष एक तरफ हो जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ, तो विपक्ष भारी है, वोट परसेंटेज में देश में विपक्ष भारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लंबा एक अनुभव रहा है विपक्ष में रहने का, और विपक्ष में रहकर वो क्या क्या मतलब ऐसी चीजें की जाए जिसको कि प्रोपगंडा फैलाया जा सके, वो सत्ता में रहकर भी उस विपक्ष के चोले से बाहर नहीं हो पाई है। वो सवाल पे सवाल दागती है और विपक्ष इसी में दिग्भ्रमित हो जाता है। पूरे विपक्ष को मिलाकर भी देखना देखना चाहिए तो विपक्ष एक साथ आने को तैयार नहीं है, और जैसे भी होता है ना कि 10 की लाठी एक का बोझ होता है, तो सबको अलग अलग करके वो टारगेट कर रहे हैं। ठीक, और यह देश के लिए बहुत ही बड़ा नुकसानदायक है, आज नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन मेरा अगर मानना है, अगर मैं कहूं तो मैं तो चाह रहा हूं कि 24 में फिर मोदी जी आए आए कि फिर आए जाए तो कभी न आए, क्योंकि जो अपेक्षाएं ये देश के युवाओं को, 70% युवाओं को ये 14 में प्रलोभन देकर सत्ता हासिल किए थे, वो 18 से 25 साल के युवा थे। आज 9 साल बाद देखा जाए तो 18 साल का 27 साल हो गया है, 25 साल वाला 34 साल का हो गया है। अब वो रोना रो रहे हैं लेकिन वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि हम करें तो करें क्या। सबके हाथ में ये लोग झुंझुना पकड़ा कर चलने का काम कर रहे हैं, और या देश, मैं तो बात करूं देश के लिए खतरा है कुछ नहीं, एक मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। लेकिन विपक्ष को तो जैसे बीन बजा रही है भाजपा, वैसे विपक्ष नाच रही है। चलिए सुरेन जी एक लास्ट कमेंट। देखिए अभी नीरज भाई ने कहा कि गाली देने का काम जो है भाजपा करती है, अब तक कांग्रेस जो है 85 बार गाली देने का काम किया, मौत का सौदागर, हिटलर की मौत मरेगा, ये तमाम गालियां जो है किसने दिया था? भाई साहब आपने भी तो बार बारह से लेके 50 लाख की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तक बोलते रहे, या शोभनीय बात आपको बोलना चाहिए क्या? सुरेंद्र जी आपको नहीं बोलना चाहिए, अगर लिस्ट आप तैयार करेंगे तो विपक्ष में बैठा है, विपक्ष के पास भी लंबी चौड़ी लिस्ट पड़ी है आपके, अगर आप एक गाली बताएंगे 100 गालियां विपक्ष के पास भी पड़ी हैं। चलिए सुरेंद्र जी, मुन्ना खान जी, नीरज जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। फिलहाल मेरे साथ मुद्दे में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।